डहर चलती संगी में आप सभी के स्वागत है। मोर संग का नाम है क्या तो? रविशंकर चौहान है। रविशंकर चौहान। रविशंकर चौहान कहाँ से आते हैं? मैं छत्तीसगढ़ से। नहीं, छत्तीसगढ़ से कौन सा गांव जिला? गांव परसकुल है और जिला सारंगढ़ विलेज है। सारंगढ़ बहुत दूर से आते। तई मोले ये बताना है, तई टोनी के बारे में बताने कहा देखे कैसे देखे हैं? टोनी तो गुप्त विद्या है। हाँ। और इसमें जो हमारा मनुष्य जीवन है ये 12 राशि है जो इमन के गुण एक एक ठीक रहते, तो वो हिसाब से एक आदमी ला जैसे आकर्षण हो गए। जैसे मेरा नाम रविशंकर है तो मेरा गुण 21 गुण है, 20-19 है। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम है राकेश। राकेश आपका भी वही है। अच्छा, तुला राशि है आपका भी। अरे गजब यार, है ना। और तुला तो जानते हैं किलो सिस्टम वाला है। हाँ। ऐसे बराबरी का रहता है तुला राशि के लिए। अभी वैज्ञानिक कली युग, द्वापर युग, सतयुग और जो अभी चल रहा है। हाँ। कली त्रेता द्वापर युग जैसा है ये सब, इसमें वैज्ञानिक तुला राशि के लिए दवाई अभी तक नहीं बना पाया है। अच्छा। आओ। और तुला राशि को ज़्यादा बुखार भी नहीं आता है। हाँ। आएगा तो थोड़ा सा सर्दी जैसा या सिर थोड़ा सा पीड़ा होता है, फिर कुछ भी तेल लगा कर थोड़ा सा लेट जाने से फिर आराम मिल जाता है। और कोई इसको नठाने के लिए नहीं सकते हैं, बिगाड़ने के लिए नहीं सकते हैं। बाकी विद्या बहुत है। टोनी के बारे में बता रहे हैं। टोनी के बारे में देखो ना, मारण तारण है ना, मारण तारण वशीकरण सतम्भन मोहन द्विजसन ऐसा प्रकार के 7 प्रकार का विद्या है, गुप्त विद्या है ये। अच्छा। तो कौन मारण करेगा तो केवल वो मारने का मंत्र जप करेगा है ना। जो तारेगा वो भले का मंत्र करेगा और जो उच्चाटन करेगा आदमी को वो ऐसा कर देगा जो आप हो या मैं भी हो कि कोई भी हो वो जाकर परेशान होकर लोगों से झगड़ा करेगा। अरे बाप रे, उच्चाटन कर देगा ना, पागल जैसा हो जाओगे आप, कुछ ऐसा बात बोल देगा वो सामने वाला तो पागल होकर उसको मारने के लिए ढूंढना पड़ेगा। अरे बाप, ऐसा हो जाता है उच्चाटन में। अब वशीकरण में आपके पास चावल है कि परिवार क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है इसका चिंता नहीं रहे, केवल आप अभी भूख में मरते रहने से भी ऐसे बैठे रहेंगे और कुछ किसी को नहीं बोलेंगे, ऐसे देखते रहेंगे। अरे बाप रे। हाँ। और मोहन जो करता है, और जैसे कृष्ण भगवान गोपियों के साथ 16 गोपी के साथ लीला किया था, वैसा हो जाता है मन, वैसा हो जाता है मोहन में, ये विद्या है। और तारण करने से आहा जो है दया करेगा आदमी को, ऐसा भी विद्या है। और द्वेषण वो जैसे अर्धनारी जैसा आधा शिव शंकर भगवान एक तरफ जैसे पार्वती माता रहते हैं ऐसा द्विजेशन है वो। अच्छा। तो दोनों का बात को समझ के चलना पड़ता है। अरे वाह वाह, तो उन्हीं का मतलब ऐसा होता है। अच्छा। हाँ, गुप्त विद्या भी है होने को। तो वो बर्थे बोलते हैं रात के जलते, ओ मावली है देवी का नाम, मावली है केवल जले। टोनी बरा थे बोलते थे उन्हें। और टोनी के नाम से जाना जाता है और जिसको छू देगी। अच्छा। और गया हो अगर वो छू दिया आपको या मुझको भी तो गया हो। नहीं, हमारे तरफ बोलते डा कि टोनी बरा थे। देखो मैं अभी जो मावली बोले अभी उसका नाम लिया, देखो मेरा ये कैसे दिखाई दे रहा है। अरे बाप रे, ये सब बाल कैसा, चुनी जो माने मावली के नाम लेते ही आपका पूरा बाल उड़ गया यार। देखो ना, रुआ ठड़ी आ गए। हाँ, हाँ, क्योंकि देखो तो पीला कपड़ा पहना है। हाँ। गमछा उतना दूर में मैं देखा, उतना सामना में देखा। अच्छा, भगवान का सामना सवेरे सवेरे बज वृक्ष पेड़ है ये मावली। मावली है वो देवी है। रात को 12-1 बजे रात को मावली देवी। हाँ, ऐसे बाजा बाजा कर जला कोना से हम लोग आए, घम महीना का दिन था। हाँ। तो ऐसे जमीन में लेटना पड़ा तो गर्मी था नीचे, तो आदमी लोग वहाँ पर धान वान लगाए थे तो जो वहाँ पर रहते थे रात को। हाँ। पाइप से भी लगा के। हाँ, तो उसमें मैं आया
तो ऐसा देखा जो ऐसा जल रहा है तो पूरा मैं तो मावली है बोला मैं। अरे बाप रे मावली है कैसे जलत रही पूरा पूरा बहुत ऊंचा था पूरा इतना ऊंचा था। अरे बाप जैसा लगाते हैं। हाँ होली 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 जैसा इतना इतना चौड़ा से इतना सा चौड़ा से और ज्यादा चौड़ा नहीं इतना सा चौड़ा से अच्छा इतना चौड़ा से पूरा ऐसा हो रहा है। तो मैं एक मंत्र वहाँ प्रवेश किया। अच्छा जो ओम अला नरसिंह वीर कुलाड़ी जीव करे मुसल दात करे पहुँचला मोर नरसिंह वीर स्वर्ग पाड़ी मंच पाटी 33 कोटी देवता पलैले आसन छाड़ी कहार आज्ञा ओम वीर नरसिंह कोटी कोटी आज्ञा बोला तो एकदम दब गया पूरा दब गया भगवान का सब एक मंत्र में। एक मंत्र में क्योंकि वो लागन बोलते हैं उसको लागन लागन मंत्र है वो अगर मुझको छूने का उसका दिल था। अरे देखिए देखिए फिर कैसे हो गया फिर हो गया यार पूरा भाग नहीं हुआ। अरे पूरा मावली देवी के नाम लेते ही आपके पूरा रुआ घर घुर घुरा गए भाई। हाँ पूरा ऐसे सामना हाँ पर एकदम बाल खड़ा हो गए सर। हाँ और देखिए ऐसे वैसे जहाँ जल रहा था ऐसे नजदीक से मेरा रास्ता है उसे ऐसे पैदल था फिर रात को 12 बजे रात को। अरे बाप और एकदम बाल भीतर है वो धान वान लगाते हैं उस रास्ते में छोटा सा पैर में जा रहा था। हाँ श्याम बुरे बात है जो आमाडू जगाया गया है आप ओडिया भी बोलते हो ना। ओडिया माने बॉर्डर है बॉर्डर है बॉर्डर है तो फिर मावली ही लो एडा टोन ही बोलते का। हाँ मन जो टोन ही बोलते तो उनका एतिक मन बोलते टोन ही बरत करके तो वैसे वैसे टोन ही होता है सर जो जिसको साधना की जो मंत्र साधना किया वो ही हो जाता है लेकिन उस विद्या कोई नहीं समझते हैं कोई विश्वास भी नहीं कर रहे हैं लेकिन सही है। अच्छा मैं तो आपको अभी बुखार हो रहा है मैं ऐसा छू कर ऐसा मंत्र पढ़ दूंगा तय जो देखे सो मावली देवी। हाँ हाँ देवी मानते बोल। हाँ और मैं प्रेत भी देखा हूँ कितना सब प्रेत बता प्रेत किसे देखे प्रेत एकदम इतना सा था इतना छोटा सा अब कितना समय था जानते हैं दिन का 2:30 बजे। अरे बाप रे दोपहर में। हाँ दोपहर में और गिंडुला से मैं ऐसा गांजा वाजा पी कर जा रहा था गांजा मार देता था। हाँ तो मैं मेरे घर परिवार के विषय में सोच रहा था मेरा घर वाले नहीं है सन 1993 से। तो मैं सोचते जा रहा था भगवान मेरा स्त्री भी तो मर गई ऐसा ऐसा करके ऐसा सोच रहा था तो ऐसे सामने में आ गई उसमें भी मेरा ऐसा हो जा रहा था। अरे बाप रे बार बार और जो कैसा था जानते हैं सर एकदम एकदम ये जो धरती माता का स्वरूप जैसा था एकदम नीला कलर उसका बाल भी नीला नाखून भी नीला शरीर भी नीला कपड़ा भी नीला। तो मैं वहाँ पर थोड़ा अलग सोच में आ गया। अच्छा वो लड़की साहब जैसी दिखाई दे रही थी ना भूत प्रेत प्रेत। हाँ तो मैं उसको कुछ ऐसा सोचा तो ऐसे ऐसे करके हंस दी अरे खिंच करके हंस दी। हाँ। तो फिर मेरा देखिए फिर हो गया ना बार बार यार तो बाल है रुआ मैं घुरा जाता है नीला हूँ ना सामने के सामने में देखो हो रहा है ना। हाँ हाँ तो बोला उसे एक छड़ी पकड़ने का जैसा किया। हाँ 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 तो किया हाँ ऐसे किया अब यार ये बाप बोला मैं बाप रे बोला। हाँ वो ऐसा में था वो देखिए तो ट्रांसफार्मर जो है बिजली ऑफिस है ना उस तरह वैसे थोड़ा सा बिजली जैसे दूर चली गई तो मैं मेरा घर को जहाँ दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है ना उतना घर में उतना दूर में मेरा घर है और ऐसे एक तो महुआ पेड़ के पास गई वो थोड़ा सा दूर गई था वो दिखाई नहीं थी। अरे बाप रे तो ये, वो उसका वो देखे वो डायन है डायन है वो डायन डायन वो सहयोग करने के लिए मुझको दर्शन दी थी क्योंकि मैं घर परिवार का सोच रहा था ना। तो डायन लोग बहुत सहयोग भी करते हैं और उन लोग छू देने से मर भी जाएंगे ऐसा हो जाता है। अरे बाप ये तो डायन हो गया और मावली देवी हो गया मावली और क्या देखे हो लाइफ में जिंदगी में लाइफ में वैसा जो गर्भवती गर्भवती लोग जैसे बच्चा होता है तो थोड़े दिन के 8-10 दिन के बाद जो बीत जाती है अच्छा वो लोग भी प्रेत बनते हैं प्रेत हो जाते हैं तो उन लोगों के सामने में जहाँ गाड़ा जाता है उनको या जलाया जाता है उस सामने में बेटे में आने से
ऐसा पत्थर जैसा, नहीं तो कौन चल रहा है, चप्पल बज रहा है, या लकड़ी कौन तोड़ रहा है, कि हनुमान पेड़ के ऊपर है, ऐसा अनुभव होता है। अच्छा, उसको नहीं देखे हो? वो केवल अनुभव होता है, उसमें भी पूरा वो सही है। अच्छा, आवाज देती है। अच्छा, हाँ, वो भी छूने के लिए चेष्टा करती है। अच्छा, आपको मुझको छू नहीं पाएंगे, नहीं छू पाते हैं, राशि जानकर छूते हैं उन लोग। हाँ। राशि हर समय बराबर थोड़ी चलता है, इस समय मैं उद्वेग में है कि शुभ योग रहता है। हाँ, हाँ। है ना, रोग योग रहता है, अमृत योग रहता है। हाँ, हाँ। काल योग रहता है, वैसे समय में, काल के समय में वो छूएगा, काल काल समय में छूते है। अरे बाप, ऐसा होता है। और क्या हो देखे हो भूत उधर? बहुत, और मैंने देखा केवल ऐसा, इतना ही देखे हो, लेकिन बहुत आपका अनुभव, आपका तो बाल खड़ा हो जाता है यार। हाँ, तो क्या हो सर ऐसा, मैं जैसे आप मावली देवी का नाम लिया आपका पूरा बाल खड़ा हो गया। आपके शरीर में इतना बड़ा बड़ा जो माँ निकलता है, नहीं बोलते हैं क्या, बूढ़ी सिंदरी? हाँ, सिंदरी निकलता है ना, माता माता माता। हाँ, तो इतना बड़ा बड़ा हो जाने से भी मैं ऐसे फूंक देने से वो दब जाता है, दवा नहीं लगता है। अच्छा, फूंकते भी हो? फूंकता भी। तो उसका थोड़ा मंत्र बता दोगे क्या, कैसे फूकते वो सेंदरी को? इस सेंदरी को? हाँ? अगर निकल गया है। हाँ? तो वो जलन हो रहा है। हाँ? तो उसमें एक तो मंत्र है, और जलन को शांति करने के लिए फिर एक तो मंत्र है। बताओ दोनों मंत्र बोलो। दोनों को तो ओम आदि आज्ञा दे ले अनादि को चाहिए, जन मिला खस मुरिका रोहिला को जाई, जमिला खस अथ मिला खस अतिला खस, ये प्राणी को रक्षा करे चला अन्य देश कहा रह गया, ओम इस पर पार्वती करो कुटी कुटी आ गया। इसको इसको 10 बार बोलना है। अरे बाप रे, 10 बार फूकना है, उसके बाद उसको उतारने वाला है, उतार उसको शांत करने वाला, करने वाला। ओम ज्वलंत पर्वत दही वरुण पूर्व बेगे अनई जल हो शीतल हो बोली कहा रह गया, ओम आदि अनादि निरंजन सर्व मंगला ठाकुरानी करो कुटी कुटी आ गया। इसको फिर 10 बार बोलना है, 10 बार फूकना है, सेंद्री ठीक हो जाएगी। सेंद्री ठीक हो जाएगी, और इसमें तुलसी पत्ता लगेगा, और पंचामृत थोड़ा सा, और पानी एक लोटा नीम का पत्ता लगेगा। अरे बाबा, उसको शांति कर देना है, उस ऐसे उतार कर ठीक हो जाएगा। ऐसा तो है सर।